सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए, और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है और राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं राजस्थानी रेसिपी बेसन का करारा, जो कि कढ़ी से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसे आप पूड़ी के साथ, रोटी के साथ और पराठे के साथ खा सकते हैं। राजस्थान में तो इसे मालपुए के साथ खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं बेसन का करारा। आज हम फिर से एक राजस्थान की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि बेसन की सब्जी है, बेसन का करारा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। और राजस्थान में तो मालपुआ और करारा की एक बहुत ही अच्छी सी दावत होती है और ये बनाने में बहुत ही अच्छी है। ये कढ़ी से भी टेस्टी बनती है अगर आप इसको सही से बनाएं। तो फ्रेंड्स, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये 250 ग्राम मैंने बेसन ले लिया है, बेसन को छान लिया है। अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ये 1.5 चम्मच मैंने धनिया डाल दिया है, इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। आप मिर्च अपने हिसाब से लें, कम या ज़्यादा, आप कम खाते हैं तो कम लें। 1/2 टीस्पून मैं हल्दी लूँगी और थोड़ी सी मैं 1 पिंच से थोड़ी सी, 2 पिंच होगी ये, बस ये इतनी हींग लूँगी। हींग इसमें बहुत ही टेस्टी टेस्ट देती है अपना, तो हींग ले रही हूँ मैं। और स्वाद के हिसाब से मैं इसमें नमक लूँगी, ये 1 टीस्पून लिया है मैंने, आप अपने स्वाद के अनुसार लें। अब मैं ये बेसन इसमें मसाले बेसन में अच्छी तरह से मिला लूँगी। इस तरह से अच्छे से इस बेसन में मसाले को मिला लिया है मैंने। अब मिलाने के बाद मैं ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया और हाथ में थोड़ा सा ही पानी लूँगी इस तरह से, और इसमें छींटे जैसे मारूँगी इस तरह से। ये मैं छींटे मार रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा पानी नहीं करना है। इस तरह से बस ये मैंने थोड़ा सा छींटा मारा है 2 बार, और इसको अब ऐसे करके इसमें मैं छोटे छोटे से इस तरह से ऐसे करके इसमें मसूरी डाल लूँगी छोटी छोटी सी। ये देखिए, मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है, छींटा ही दे के पानी डालें आप, क्योंकि एक जगह अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो हम जो चाह रहे हैं वो हम बना नहीं पाएंगे। जैसे इस तरह से हमको इसको, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 बार पानी डाला है, और आप इस तरह से देखिए कितनी अच्छी तरह से ये मसूरी डल रही है इसमें। अब हमने ये इस तरह से दरदरा जैसे कर लिया है, छोटी छोटी सी गोलियाँ बना ली हैं इस तरह से, और ये दरदरा टाइप में कर लिया है। छोटे बिल्कुल छींटा मार मार के इसमें पानी डाला था। आप इसमें पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो बेसन गीला हो जाएगा। थोड़े से पानी से ही बेसन गीला हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ छोटी गोलियाँ और कुछ बारीक दरदरा जैसे हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा दो दो कर लेती हूँ, दो तरह से, मोटा मोटा अलग और बारीक बारीक अलग कर लेती हूँ इस तरह से। ये मोटा मोटा मैं थोड़ा अलग कर देती हूँ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 भागों में बेसन को बांट लिया है, बारीक और ये मोटा, 2 भागों में बांटा है कि पहले मैं मोटे को भूनूंगी फिर बारीक को भूनूंगी। अगर मैं एक इन दोनों को 2 भागों में ना बांटती तो बारीक वाला बेसन मेरा जल्दी भुन जाता और जल जाता, और ये भुन नहीं पाता। तो इसलिए मैंने ये प्रोसीजर किया है। अगर आप एक जगह भूनना चाहें तो आप एक जगह भून सकते हैं, लेकिन 2 भागों में बांट के बहुत अच्छा भुनता है। तो अब मैं भूनना शुरू करती हूँ। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें सरसों का तेल ले लिया है। सरसों का तेल मैं पूरी सब्जी में 50 ग्राम ऑयल यूज़ करूँगी खाली, जिसमें से आधा मैंने इसमें डाल दिया और आधा मैं दूसरे मसाले भूनने के साथ यूज़ करूँगी। तो अब ये मेरा 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम के करीब तेल है। अब मैं इसमें मोटा मोटा ये गोलियाँ डालूँगी। पहले तेल गर्म हो चुका है, पहले मोटी मोटी गोलियों को भून लेती हूँ, फिर बारीक वालियों को भूनूंगी। गैस का फ्लेम मैं मीडियम रखूँगी और इनको मोटी मोटी गोलियों को बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी अंदर तक से, बिल्कुल आराम से 1-2 मिनट तक इसको भूनूंगी। भूनने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए आप, ये 2-3 मिनट में बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसी में ही ये बारीक वाले भी मिला देती हूँ और भून लेती हूँ इनको। गैस का फ्लेम मीडियम ही है, अब इनको भी इसके साथ ही भून लेती हूँ। अगर मैं एक साथ भून लेती तो मेरे सही से नहीं भून पाते, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोसीजर दिखाया है। अब मैं भूनने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ये गोलियाँ और ये दरदरा जैसे अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब मैं करारा आपको बना के दिखाती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ थोड़ी देर। अब हम इसके छौंकने के मसाले भी दिखा देते हैं आपको कि अब हमें ये सब्जी छौंकनी कैसे है। तो मैंने पहले भी इसमें लाल मिर्च डाल दी थी 1 टीस्पून, तो इसलिए मैं थोड़ी मिर्च लूँगी इसमें।
हाफ टी स्पून से भी कम ले रही हूँ ये रेड चिली, हाफ टी स्पून से भी कम ली है क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्च अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत कम मिर्च का यूज़ किया है और उसमें पहले डाल दी, इसलिए सबको देखते हुए इनमें मैंने बिल्कुल लाल मिर्च का बहुत ही कम यूज़ किया है। 1 टीस्पून धनिया, और इसमें हम हल्दी का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, तो ये मेरी हाफ टी स्पून से और थोड़ी सी ज़्यादा, हाफ टी स्पून से हल्दी, हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है, तो हल्दी इसमें इस तरह से डालने। पहले हमने करारे में बेसन वो नमक भी डाल दिया है, तो नमक भी हम स्वाद के अनुसार देखते हुए, ये हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है, आप उसी हिसाब से सारी चीज़ लें। और इसमें आप लहसुन डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो, ये बिना लहसुन की भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, तो अब मैं इसमें यही लहसुन भी इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए लहसुन भी मैंने 6-7 लहसुन लिए थे, उनको कूट लिया है बारीक और इसमें ही डाल दिए ये मसालों में। और पहले भी मैंने उसमें हींग डाल दी थी करारे में, और अब थोड़ी सी हींग अब ले रही हूँ मैं, इसमें हींग बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसके करारे में भी डाल दी और इसमें भी डाल रही हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ जिससे ये मसाले आराम से भीग जाएं, फिर मैं छोंकूंगी। मसाला भिगोने के बाद मैं इसको छोंकूंगी। ये मैंने भिगो दिया, अब मैं सब्जी को छोंकती हूँ। अब मैंने कढ़ाई में 25 ग्राम तेल डाल दिया, 25 ग्राम पहले यूज कर लिया मैंने, और 25 ग्राम अब ये गर्म हो चुका है सरसों का तेल। अब मैं इसमें डालती हूँ 1 टीस्पून जीरा। अब जीरा भुन चुका है, अब मैं इसमें ये जो मैंने मसाले रखे थे भिगो के ये डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डाल देती हूँ जिससे ये मसाले सारे इसमें चले जाएं। और अब इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेती हूँ, और भूनने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया है मसाले से। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ, ये भुना हुआ है, अब मैंने डाल दिया इसमें। पहले मैंने इसमें ये इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसमें अब लस्सी डालूंगी, तो जिससे लस्सी फटे ना। अब ये मेरी 1 किलो लस्सी है, अब मैं लस्सी इसमें डालूंगी और इसको बराबर चलाती जाऊंगी। इसको मैं रोकूंगी नहीं बिल्कुल भी, पहले मैंने इसीलिए डाला था ताकि मेरी लस्सी फट ना जाए, तो इसीलिए मैंने इसमें ये डाल दिया। और अब मैंने इसको चलाते हुए बिल्कुल इस तरह से, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी। अब मैं इसमें इसी तरह से इसको हिलाती रहूंगी, और हिलाते हिलाते इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें 1/2 किलो पानी और डाला है। अब ये कुल मिला के 1 किलो लस्सी और 1/2 किलो पानी और डाल दिया, तो ये 1.5 किलो हो गई, और मेरा 1 पाव बेसन था। तो अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह से पकाऊंगी और इसको हिलाते हुए पकाऊंगी बिल्कुल। अगर मैंने हिलाना रोक दिया, अगर मैं इसको नहीं हिलाऊंगी तो ये फटने का डर है, तो इसलिए मैं इसको बराबर हिलाती जाऊंगी, और फिर उबल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसमें इसको बराबर ऐसे ही चलाते रहना है। मैंने इसमें बहुत ही गाढ़ी दही से मतलब लस्सी बनाई थी, तो एक गाढ़ी थी वो, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला। अगर आप लस्सी आपके पास लस्सी है तो उसमें पानी ना डालें, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें दही से लस्सी बनाई थी, दही से मतलब बेला था उसको दही को, तो वो थोड़ी गाढ़ी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने उसमें 1/2 किलो पानी डाला। अगर आप लस्सी लस्सी में बनाना चाहें तो कोई बात नहीं है, बहुत टेस्टी बनती है। तो अब मैं इसको चलाते हुए उबलने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब देखिए कितनी अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। अब मैं इसको गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देती हूँ इस तरह से, और इसको मैं ढक के पकाती हूँ, इतना खुला हुआ छोड़ दूंगी, और इसको मैं 30 मिनट तक ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे और पकाती हूँ, और फिर पकाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसमें मेरी ये करारा पूरी तरह से पक चुका है, और इसमें ऑयल ऊपर आ चुका है, अब बिल्कुल एकदम जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही करारा बना है। अब मैं आपको इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से हिला के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का है, कितना गाढ़ा बनाया है मैंने। आप भी उतना चाहें उतना ही बनाएं, ये मेरा एकदम परफेक्ट है, इतना ही चाहिए था मुझे, बिल्कुल इतना ही पतला चाहिए, इससे ज़्यादा गाढ़ा मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए आप बिल्कुल बढ़िया बन चुका है मेरा। अब मैं इसमें डालती हूँ कटा हुआ 1 कटोरी धनिया, ये डाल दिया मैंने,
और अब इसको मैं गैस को कर देती हूँ बंद। अब मेरी सब्जी पक के तैयार है। अब मैं कर लेती हूँ डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स, हमारी कड़ी से भी ज़्यादा स्वादिष्ट करारे की सब्जी बन के तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने घर में ट्राई करें और ट्राई करके मुझे कमेंट्स करें। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी वीडियो लेके फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।